रिमोट हो गया क्या पुराने निर्देश है भाई ने? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सुबह की जो है साफ सफाई स्टार्ट हो चुकी है नाश्ता करने के बाद में, और आज गुड्डू भी मेरी हेल्प करा रही है। गुड्डू लगी है डस्टिंग करने में, और चलिए मैं बेडशीट सही करती हूँ। अभी आरुष को जो है यहाँ से बाहर भेजा है उठाकर, बहुत मुश्किल से, नहीं तो सुबह होते ही कार्टून शुरू हो जाते हैं आरुष आरुष के। तो देखिए, सबसे पहले मैंने सोचा कि बेडशीट ही साफ़ कर लेते हैं, बच्चे जब तक बाहर गए हैं। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए जो है टीवी बंद कर दिया था, और मैं बोल रही थी बेटा थोड़ी देर जो है बाहर खेल कर आओ। और आज गुड्डू जो है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करा रही है, और इसने सारी डस्टिंग जो है पूरे रूम की, इस वाले बेडरूम की कर दी है। अभी दूसरे वाले रूम में जा रही है, और अपने वाला रूम तो ये बिल्कुल साफ़ रखती है, किताब कॉपी भी अच्छे से लगा कर रखती है। और बस इसने पूरी टाइल्स पर कपड़ा जो है मार दिया है, खिड़कियों पर भी लगा दिया है इस तरीके से ही, और बोल रही है मम्मी मैं सारे कमरों में कर दूँगी। और मैं फिर झाड़ू लगाने लगी थी, ये देखिए इसने बारीक बारीक जितनी भी धूल एलईडी पर बैठ जाती है, वो भी दो बार इसने कपड़ा लगाया है इस पर। तो मैं बोल रही हूँ बेटा ये थोड़ी बहुत तो लगेगी, क्योंकि मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो गुड्डू बोलने लगी मम्मी मैं थोड़ी देर बाद कपड़ा लगाऊंगी इस कमरे में एक बार। और मैंने कहा चलिए बेटा कोई नहीं, कल लग जाएगा, ये तो धूल मिट्टी तो आती ही रहती है, थोड़ी देर में फिर ऐसा ही कर देंगे छोटे वाले बच्चे। क्योंकि गुड्डू चिंकी अभी समझदार हो चुके हैं, वो तो इतना गंदा नहीं करते हैं, लेकिन सार्थक और आरुष और आरुषी जो है उनकी पूरा दिन ऐसे ही तोड़फोड़ चली रहती है। और देखिए एक रूम में ही बच्चे जब खेलते रहते हैं और इसी में बैठकर खाते पीते रहते हैं, तो कितनी ज़्यादा कूड़ा करकट हो जाता है, और पन्नी वन्नी पता नहीं क्या क्या फेंकते रहते हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप? मैं पापा क्या फोन आ रहा पापा का? हाँ। कंघा कान पे लगा के अरे आलिए ड्राइवर साहब चली रहे थे, ये बहुत जीत कर रहा था। जीत कर रहा था नहीं? हाँ। कट गया फोन? ना। कटा नहीं है अभी? आ रहा अभी। देखो मेरी नई शर्ट। पर देखिए भाई सार्थक की नई शर्ट, क्या कोटी सी पहन लिया भाई। सेल वाली शर्ट है, सेल वाली। और ये देखिए लड़कियां जो है एक दूसरे को काम करके देखता हुआ ही सीख जाती है। आज गुड्डू में देख कर ये भी लगी हुई है, और इसका कमाल देखिए, इसका देखिए कमाल। और देखिए यहाँ पर आरुषी जो है स्कूटर चला रही है, और आरुष अंदर खेल रहा है बेड पर इस कमरे में ही, प्रीति वाले बेडरूम में। तो आरुष का क्या होता है कि उसे एक मिनट की ही जिद रहती है, नहीं तो वो चाहे तो उसकी मर्जी हो एक शॉर्पनर इरेजर और पेंसिल से ही खेल लेता है।
पड़ा पड़ा बेड पे, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। ट्रैक्टर का वो शौकीन है बहुत ज़्यादा, और ट्रैक्टर उसके पास कई सारे हैं, उसने तोड़ फोड़ मचा कर रखी हुई है ट्रैक्टर में, उनके पहिए निकाल कर वैसे चलाता रहता है। और एक पहिया तो मैं यहाँ से भी, कई सारे पहिए मैंने कूड़े में से भी निकाल लिए थे, क्योंकि वो तोड़ फोड़ करके फेंकता रहता है। और ये आरुषि आ गई है अभी यहाँ पर, और आरुष खेल रहा है ऊपर ट्रैक्टर का, जो ऊपर का बम्पर था वो उसने अलग निकाल दिया था, और बाकी का नीचे का सामान सब अलग था। तो मैं इस कमरे में जो है पोछा लगाने लगी हूँ, और प्रीति गई है कपड़ों की धुलाई करने के लिए, तो उसने बेडशीट जो है सारी की सारी उतार ली है। वो बोल रही है कि दीदी ये बेडशीट धो देते हैं, फिर गुड्डू चिंकी का बर्थडे भी है। मैंने कहा चल ठीक है, हाँ ये बेडशीट भी साफ़ कर देते हैं, और वैसे भी साफ़ सफाई तो होती ही ज़रूरी है। दूसरे तीसरे दिन बेडशीट चेंज करते रहते हैं, बच्चे इस कमरे में ज़्यादा गंदा करते हैं क्योंकि इसमें टीवी देखते रहते हैं वो हर टाइम लेट कर। और यहाँ पर इस वाले कमरे में लग चुका है, बरामदे में भी लग चुका है, अब प्रीति के बेडरूम की बारी है। एक एक करके मैं इस तरीके से ही एक साइड में पहले पूरा पोछा कंप्लीट कर लेती हूँ, एक साइड में सूख जाएगा तो उस साइड में बच्चे जो है आराम से घूम फिर सकते हैं, हम उन्हें डांटेंगे भी नहीं, क्योंकि पोछा जो है सूखने के बाद में अगर गीले में कोई घुस जाए तो उस पर निशान हो जाते हैं, वाइट फर्श वैसे हैं। तो मैंने सोचा पहले एक साइड का कंप्लीट कर लेते हैं, तो इधर मैंने पोछा जो है कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं दूसरे वाले बेडरूम में जाऊंगी जो प्रीति का रूम है, तो मैं इस साइड में आ गई थी। और ये अभी ड्रेसिंग टेबल भी हमने एक साइड में नहीं लगाया है, क्योंकि हमें जहाँ पर ये सेट करना है, हमने जहाँ पर इसे रखने की सोच रखी है वहाँ पर एक खूंटी है दीवार में, तो उसे पहले हटवाएंगे वहाँ से, तब इसे सेट करेंगे वहाँ पर रखेंगे, नहीं तो खूंटी से क्या होता है आगे वो गिरने का डर रहेगा इसका। और बच्चे हैं हमारे पास में, बच्चे तो कहीं भी छेड़छाड़ करते ही रहते हैं। तो देखिए टाइल्स पे भी अच्छे से, दीवारों पे मतलब गुड्डू चिंकी ने बहुत बढ़िया तरीके से कपड़ा मार दिया है, एकदम चमका दी है। और मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ हमारी हो चुकी है, और बाहर के भी काम निपट चुके हैं आधे से ज़्यादा। और काम करना धूप में आसान नहीं है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ निकलती है, भले ही अभी थोड़ा सा ठंड का मौसम हो गया है, बहुत तेज़ निकलती है, परेशानी होती है। और वहाँ पर नीलाक्षी दीदी और माँ जो है बर्तन साफ़ कर रही है। और देखिए यहाँ पर बच्चों की मस्ती चल रही है। और फिर मैं आ गई थी पशुओं के नीचे साफ़ सफाई करने के लिए, यहाँ पर झाड़ू लगानी थी। पिताजी ने मेरी बाट देखकर पशुओं को नहला दिया है, बस छोटू रह गया। तो मैं पिताजी को बोल रहा हूँ पिताजी आप नहा लीजिए, इसे तो चलिए मैं ही नहला दूँगी, क्योंकि मुझे घर की उस साइड की क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, और वो तो बच्चों ने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की जब इतना टाइम लगाया मुझे। फिर मैंने सोचा चलिए पशुओं के नीचे पहले ये मोटा मोटा सा इकट्ठा कर देते हैं, और सारा फर्श जो है कीला कर रखा है, तो मैंने सोचा एक बाल्टी पानी डालकर इसे धो देते हैं, क्योंकि इन दरारों में जो है गोबर भरा रहता है, और गोबर भरा रहने की वजह से एक रात में ही कीड़े पड़ जाते हैं, और ये गोबर पानी से ही निकलता है। और ये वही पौधा है सीताबनी का जो मैंने आपको दिखाया था, सीताबनी जो हमारे यहाँ पर चाचा जी लेकर आए थे, और बहुत अच्छी झाड़ू लगती है इनसे, बहुत मजबूत लकड़ी है, एक झुंड से ही पूरा एक लड़का यानी कि एक झाड़ू बनकर तैयार हो जाती है। तो मैंने इससे झाड़ू लगा दी है, और बारीक बारीक सा सारा पानी जो है इसकी दराज में से निकाल दिया है, जो ये ईंटों की दरारें हैं। और बाहर को तो क्लीनिंग हो ही चुकी है, और ये गायें भी हमारी नहा ली है, बस यहाँ को साफ़ सफाई करके अब मैं छोटू को नहला दूंगी। तो छोटू के लिए मैंने यहाँ पर दो बाल्टी पानी रख लिया है, छोटू तभी पानी पीता है जब मैं उसके नहलाती हूँ। और देखिए अब ये पानी में खूब मुंह अंदर तक डुबो देगा पूरी बाल्टी में, इसे मतलब मुंह को जो है पानी में डुबाना बहुत अच्छा लगता है छोटू को, और बहुत मस्ती से नहाता रहता है। तो चलिए अभी हम इसे नहला देते हैं, और बाकी के बाद में करेंगे सारे काम नहावा के कपड़े चेंज करके। पूजा तो कर ली थी, लेकिन क्या करें जब ऐसे काम करते हैं घर के जो क्लीनिंग वगैरह के होते हैं, धूल मिट्टी हो जाती है, और इसे नहलाने में मेरे कपड़े भी गीले हो जाएंगे, फिर मुझे दोबारा से कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। और मैंने यहाँ पर पशुओं के नीचे झाड़ू वाड़ू लगाई हैं, छींटे तो गोबर की लग ही जाती है जब अपने घर के काम करते हैं, कोई नहीं कपड़े चेंज कर लेंगे, नहा कर दूसरे पहन लेंगे। और कितना मस्त होकर आराम से खड़ा रहता है ये, और देखिए छेड़ छानी इसकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, जैसे ये बड़ा होता जा रहा है इतना ही शरारती हो रहा है ये, देखिए कैसे मतलब मुंह को जो है पूरी बाल्टी में डुबो देता है। बस यही था दोस्तों आज का मेरा छोटा सा प्यारा सा रूटीन, मॉर्निंग रूटीन। तो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको मेरी राम राम।